अमेरिका के सबसे बड़े प्रहार से भारत को अब बचाने की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि आप सभी फ्रेंड्स जानते ही हैं अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका ने रसिया के साथ जो किया, अमेरिका भारत के साथ भी वो जरूर करेगा। क्योंकि दोस्तों जो पश्चिमी देशों और अमेरिका के हिसाब से नहीं चलते जो भी देश, उन देशों को फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा निशाने पे लिया जाता है। हेलो दोस्तों, असल में सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट निकल कर सामने आई है, सोचा आप सभी फ्रेंड्स तक बड़ी छोटी सी वीडियो के माध्यम से विस्तार से पहुंचा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। और इस बात का खुलासा किया है खुद भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल मध्य सौरम ने। भारत को लेकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रियों के प्रोपोगेंडा को लेकर आगाह किया है। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स जानते ही हैं, अमेरिका के पास वह ताकत है जिसके दम पे अमेरिका दुनिया के किसी भी देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और आप सभी फ्रेंड्स को बताना चाहूंगा, अमेरिका की ये सबसे बड़ी ताकत है जो अभी टेक्नोलॉजी आप सभी के हाथों में मौजूद है, यानी कि सोशल मीडिया। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स जानते ही हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी और सबसे प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी अमेरिका से ही है। और हाल ही में अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी मेटा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट स्पुतनिक को इंडिया में मेटा ने बैन कर दिया। और भारत को लेकर अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज भारत को लेकर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय पूर्व वायुसेना के सैनिकों ने और भारत के मौजूदा वायुसेना सैनिकों ने, उनकी विशेषज्ञ टीमों ने भारत को अमेरिका के इस प्रोपोगेंडा से बचने की सलाह दी है। दरअसल दोस्तों जो अमेरिका दुनिया में लोकतंत्र की और बोलने की आजादी की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अब वही अमेरिका और पश्चिमी देश सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह उपयोग कर जो देश इस तरीके की बातें करते थे कि दुनिया बोलने की आजादी है, वही अपने नैरेटिव अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और भारत में सोशल मीडिया यूजर्स भी ज्यादा। यही कारण है कि अमेरिका ने इलेक्शन के दौरान भी भारत के अंदर जमकर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नैरेटिव फैलाया, जो कि भारत के लिए खतरे की घंटी है। जिसका साफ सीधा मतलब यह है कि अमेरिका का प्रभुत्व ना केवल रशिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती और एक खतरा है। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख भारत को इस चीज का आगाह करा रहे हैं और इस परेशानी से पहले ही भारत को चेता रहे हैं। बाकी इस पूरी घटनाक्रम को लेके फ्रेंड्स आप सभी के क्या विचार है, कमेंट्स कर अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।